सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, करही सो तस फल जो जस करही सो तस फल से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए नंद बाबा और ग्वाल वालों को बहुत प्यारा उपदेश दिया। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। कहा कि बाबा, इंद्र हमारा कोई भगवान नहीं है, इंद्र के कारण बारिश नहीं हो रही है और इंद्र के कारण हमारा पोषण नहीं हो रहा, तो हमको जो सुख दुख प्राप्त होता है ना बाबा, वो हमारे अपने कर्मों का फल है। जीव कर्म ही न करे तो उसको फल कहां से मिलेगा, इसलिए जीव को अपने कर्म पर भरोसा होना चाहिए और अपने कर्म पर उसको ध्यान देना चाहिए। यही बात तो लक्ष्मण जी भी मानस में कहते हैं ना, देव देव आलसी पुकार। देवताओं के भरोसे बैठे रहना ये तो आलसियों का काम है। हमें उद्यमी होना चाहिए, हमें कर्मवादी होना चाहिए। देश के युवाओं के नाम गोविंद का संदेश। भाग्य के भरोसे आलसी बनकर बैठे मत रहोगे कि भाग्य में होगा तो हो ही जाएगा। हाँ, उद्यम करो, कर्म करो। आगे गोविंद कहने वाले हैं कि कर्म ही हमारे लिए पूजा और कर्म ही हमारे लिए साध्य है। यदि संसार में ईश्वर भी है, ये गोविंद का कथन है, बड़ा प्यारा वर्णन किया है गोविंद ने। अस्ति चेद् ईश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणा कर्तारं भजते सोऽपि न ह्यकर्तुः प्रभुर्हि स। संसार में यदि ईश्वर भी है तो हमारे कर्मों के फल स्वरूप ही प्राप्त होता है। मैंने कल ये चर्चा की थी ना कि जब हम कर्म करते हैं ना तो कर्म का जो फल होता है ना, वो कर्म का फल कुछ और नहीं, ईश्वर ही है। ईश्वर ही हमें कर्म के फल के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए एक बात और समझ लेनी जरूरी है कि हमें कर्म के फल में जितना मिल जाए ना, उतने में आनंदित रहना चाहिए, उतने में खुश रहो और अधिक के लिए परेशान मत हो। आज एक बहुत बड़ी बीमारी समाज में यह भी है कि जितना मिल गया है उतने में वो खुश नहीं है, जो नहीं मिल पाया है उसके लिए टेंशन जरूर लेकर बैठा है। यह बहुत बड़ी मुसीबत है। एक सेठ जी बैठे रो रहे थे, बहुत तेज तेज रो रहे थे। किसी ने पूछा क्या हुआ, इतना क्यों रो रहे हो? बोले हमारे बड़े भाई बेंगलोर में रहते थे, कोई संतान नहीं थी उनको, बड़े पैसे वाले थे, बड़ी प्रॉपर्टी थी उनके पास, आज ही सुबह सुबह उनकी डेथ हो गई और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके चले गए।
तो उस भाई ने कहा इसमें रोने जैसी क्या बात है भाई, देखो मरना तो सभी को है लेकिन खुश हो तुम्हें इतनी प्रॉपर्टी जो मिल गई। अरे बोले इसलिए नहीं रो रहा हूं। तो एक भाई हमारे दिल्ली में भी रहते हैं, उनको भी कोई संतान नहीं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, पिछले 3 महीने से बीमार हैं लेकिन मर ही नहीं रहे। वो मरे तो उनकी भी संपत्ति मुझे मिले, जितना मिला है उतने में खुश नहीं। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाय, हाँ जैसे 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 लाभ होता है हमारा लोभ वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। श्रीमद् भागवत ये कहती है मेरे भाई बहन, जितना मिले उतने में आनंदित रहो, क्योंकि मिलने वाली जो चीज है वह कुछ और नहीं गोविंद ही है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।